ये गोभी बिल्ली नहीं, ये रावरी है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। अपने भतीजे अजीत पवार की बगावत को रॉबरी की संज्ञा देते वक्त शरद पवार शायद 45 साल पहले 1978 की वो घटना भूल गए थे जब खुद उन्होंने अपने सियासी गुरु और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के साथ ठीक इसी तरह बगावत का झंडा बुलंद किया था। दिलचस्प बात यह है कि तब शरद पवार को भी पार्टी के 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त था और इतने ही विधायकों के समर्थन का दावा अजीत दादा भी कर रहे हैं। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और सियासी किस्से में आज बात पवार के उसी बगावत की। ये उन दिनों की बात है। बात सन 1978 की है जब शरद पवार ने अपने सियासी गुरु से बगावत की और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी इस घटना का जिक्र होता है तब यही कहा जाता है कि पवार ने वसंत दादा पाटिल को धोखा दिया था। दरअसल आपातकाल के बाद पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के सितारे गर्दिश में थे। पार्टी के दो टुकड़े हो चुके थे, शंकर राव चौहान और यशवंत दादा पाटिल सरीखे नेता रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा थे। यशवंत दादा के चेले शरद पवार भी इसी डोर को थामे रेड्डी कांग्रेस में जा मिले। 1978 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के दोनों गुटों ने अलग अलग लड़ा था। आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी को लेकर जनता की नाराजगी बनी हुई थी। इसका असर कांग्रेस पर तो हुआ ही, लेकिन रेड्डी कांग्रेस भी इस गुस्से के शिकार होने से खुद को बचा नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि 99 सीटों के साथ जनता पार्टी कामयाबी के पायदान पर आगे बढ़ती चली गई। रेड्डी कांग्रेस को 69 और इंदिरा कांग्रेस को 62 सीटें मिली। अस्तित्व की लड़ाई। अपना अपना अस्तित्व बचाने और जनता पार्टी के बढ़ते असर को रोकने के लिए दोनों कांग्रेसी गुटों ने एक होकर सरकार बनाने का फैसला किया। रेड्डी गुट के यशवंत दादा पाटिल सीएम बने और इंदिरा गुट के नासिक राव त्रिपुड़े उप मुख्यमंत्री। इस नए सरकार में शरद पवार उद्योग मंत्री थे। सरकार बन तो गई थी मगर इंदिरा कांग्रेस के नासिक राव ने रेड्डी कांग्रेस को घेरना जारी रखा और इसी वजह से शरद पवार जैसे नेता असंतुष्ट हो गए। नतीजा पवार की बगावत के तौर पर सामने आया। पवार की बगावत। 1978 के जुलाई महीने में महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था। उस दौरान शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ अलग होकर वसंत दादा सरकार से बाहर निकलने का फैसला लिया। सुशील कुमार शिंदे, दत्ता मेके और सुंदरराव सोलंके जैसे मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। पवार के इस फैसले से तत्कालीन सरकार अल्पमत में आ गई। मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल और उप मुख्यमंत्री नासिक राव ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की पहली गठबंधन सरकार सिर्फ 4 महीनों में ही गिर गई थी। 38 साल के सीएम वसंत दादा पाटिल से अलग होकर पवार ने समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की। वो सरकार बनाने के जुगाड़ में लग गए। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी, जनता पार्टी के साथ पवार की नजदीकियां बढ़ने लगी। आबा साहब कुलकर्णी, एमएम जोशी और किशन वीर जैसे उस वक्त के बड़े नेता पवार के पीछे खड़े हो गए, उन्हें अपना समर्थन दे दिया। 18 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इसमें पवार की समाजवादी कांग्रेस, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकारी कामगार पक्ष शामिल थे। इस नए गठबंधन का नाम रखा गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। महज 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उस समय शरद पवार शायद भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। पवार की यह सरकार सिर्फ 18 महीने चल पाई थी। शरद पवार की बगावत से जुड़ा यह सियासी किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।